अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्क के रिलेटेड, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोफाइल का डैशबोर्ड शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है किन प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं और किन प्रोजेक्ट पे आपको बिड नहीं करने चाहिए। फर्स्ट वन पे हम लोग अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर लेते हैं। ओके जी, तो जो डैशबोर्ड है अपवर्क का वो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो जॉब्स हैं यहाँ पे आपको वो जॉब्स शो होंगी जो आपने स्किल्स ऐड की होंगी। ठीक है, आपने अपनी अगर आपकी स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड शो होगी। मेरी वर्डप्रेस के रिलेटेड है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो मुझे मैक्सिमम वही चीज़ें शो हो रही हैं। जो आपने प्रोफाइल में स्किल्स ऐड की होंगी वही जॉब्स आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसी तरीके से मोस्ट रिसेंट जो बहुत अभी से जस्ट कुछ सेकंड्स पहले जो जॉब्स हुई होंगी पोस्टेड वो यहाँ पे शो हो जाएंगी मोस्ट रिसेंट में। ठीक है, और इसके अलावा सेव जॉब्स जो है, फॉर एग्जांपल आपने इसको जो है सेव करना है तो आप इस हर्ड पे साइन करेंगे, ये सेव हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ तो ये सेव जॉब्स में एक ऐड हो जाएगी कि मैं इसको बाद में करना चाह रहा हूँ, बट मुझे अभी नहीं करनी, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा था। अच्छा, मोस्ट रिसेंट मैं बता रहा था कि इसमें जो जस्ट कुछ मिनट्स पहले या कुछ सेकंड्स पहले जो जॉब्स क्लाइंट ने पोस्ट की होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट मैचेस है, इसमें थोड़ी लेट जो मतलब कुछ घंटे जिनमें हो जाते हैं या कुछ मिनट्स हो जाते हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाते हैं, बट ये बेस्ट मैचेज हमारी इस रिलेटेड होती हैं कि हमारी स्किल के रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट जो है पोस्ट कर दिया है अपवर्क पे। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट टू रीडिज़ाइन द थीम, इसमें इसने फिक्स प्राइस इंटरमीडिएट एस्टिमेट बजट जो है इसका $40 है, इसका मैक्सिमम जो बजट है वो $40 है, और इसमें इसको वर्डप्रेस या वेब डिज़ाइनर चाहिए, और साथ साथ इसका आप लोगों ने ये एक कोई भी, अब आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो है स्किल हो सकती है, आपकी जो प्रोग्रामिंग एंड टेक के रिलेटेड, या आप वर्डप्रेस में हो सकते हैं, आप शॉपिफाई में हो सकते हैं, किसी भी स्किल में आप हो सकते हैं जो आप सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्लाइंट का पेमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। जिस भी मैं ये नहीं कह रहा कि जिस क्लाइंट का पेमेंट वेरीफाइड नहीं होगा वो स्कैम होगा, ज़रूरी नहीं है, बट मैक्सिमम कोशिश आपने करनी है कि जिस क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड होगी आपने उस पर बिड करनी है, क्योंकि यार हमारे पास जो कनेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत बहुत थोड़े होते हैं। एज अ पाकिस्तानी हम, मुझे पता है कि हम लोग कितना मुश्किल से, अब डॉलर में परचेज़ करना कोई आसान काम नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने जो $14 में किए थे तो $14 $15 देना कोई आसान काम नहीं, मेरा तो चलो था, मैंने अर्निंग की हुई थी वो उससे मैंने उसको क्लियर कर लिया, अपने जो है कनेक्ट्स परचेज़ कर लिए। कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो पाकिस्तानी करेंसीज से पे कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने $14 पे करना है तो आपको $1 इक्वल टू 250 या 300 में जाके कन्वर्ट हो गए उसको पहुंचेगा, 300 प्लस $14 वो जाके मल्टीप्लाई हो गए, आपको वो देने पड़ेंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे कुछ कनेक्ट्स जो होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमने किस पे बिड करनी है किस पे नहीं करनी। फर्स्ट रन पे पेमेंट वेरीफाइड होना चाहिए क्लाइंट का। ठीक है, उसके अलावा स्पेंड आप देख लें कि उसने कितना एक्सपेंड कर लिया है और स्टार रेटिंग उसकी कितनी है, उस क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये ना वो 1 स्टार रेटिंग हो उसकी और वो मतलब फ्रीलांसर्स को वैसे ही उसने ड्रामे किए हुए हों, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं थोड़ी सी रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, बट ये चीज़ देखने वाली बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट का आपने अता पता करना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपने नहीं करना। ये देखें, अब इंडिया से है, इंडियन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट आपने इनसे कोशिश करनी है, ख्याल करना है, मतलब अपना ख्याल रखना है इनसे। ठीक है, पाकिस्तानी मैक्सिमम ये इनकी जो हायर है वो हायरिंग वो अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को बहुत कम ही करते हैं, अच्छे भी हैं क्लाइंट्स, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बट इनसे कोशिश करें, थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा, प्रपोजल जो है लेस देन 5 जो है इस पर आप कर सक, टोटल अभी इस पे जो हुए हैं लेस देन 5 ही हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। बाकी जो इस पे मतलब प्रपोजल जिन फ्रीलांसर्स ने सेंड किया वो लेस देन 5 ही हैं, और बाकी इसके साथ है कनेक्ट्स टू अप्लाई,
8 कुनेक्ट्स चाहिए आपको। आप देखें इस एक $40 के लिए आपको 8 कुनेक्ट्स चाहिए होंगे, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब ये होगी, बड़ा ब्रीफली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ऑलमोस्ट ये सारे ऐसे ही हैं। अब जो मूव वर्डप्रेस वेबसाइट टू न्यू होस्ट, ठीक है, इसमें इनको फिक्स प्राइस है $5। इसके अलावा लुकिंग फॉर वेबसाइट डेवलपर फॉर ओवर कस्टमाइज सोफा वेबसाइट्स, ठीक है, इसमें वेब डेवलपमेंट का वर्डप्रेस चाहिए, इनको पेमेंट वेरीफाइड है, 400+ स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है, ये इनकी कंट्री है, लोकेशन जो है, प्रपोजल 15 to 20 हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है, अब देखें इस पर प्रपोजल 15 to 20 हो चुके हैं, तो अब एज अ जो आप बिगिनर होंगे या आप थोड़े से सीनियर भी हो जाते हैं, तो सीनियर भी इस पर बिड नहीं करते, वो समझ चुके होते हैं कि यार अब इस पर मुश्किल है, क्योंकि इस पर क्लाइंट ने, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ एक और चीज़ इसमें, यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें देखें मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट शेयर करता हूँ, चलें इसमें तो नहीं हुआ, बाकी मैक्सिमम हो जाता है। अभी देखें प्रपोजल हो चुके हैं, यहाँ पे देखना है आप लोगों ने, 15 to 20 हो चुके हैं जी, लास्ट व्यू बाय क्लाइंट 60 मिनट्स अगो, 60 मिनट पहले इसने साहब ने देखा है जी, अपनी जब प्रोजेक्ट अपग्रेड कर दिया तो उसके 60 मिनट बाद अभी तक देखा है, और इंटरव्यू अभी तक इसने किसी के साथ भी नहीं किया, इन्वाइट सेंड्स जो है इसने किसी को भी नहीं किया, अनआंसर्ड इन्वाइट्स जो है वो 0 हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, और उसके बाद अपने क्लाइंट को जो है क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे बिड करनी है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत थॉरली देखनी है, और इसमें आपने टाइम भी बहुत कम से कम लगाना है, सारी चीज़ें देखने के बाद फौरन आपने इस पे कवर लेटर सेंड करना है। अब ये क्लाइंट ने जो पहले काम करवाया है, इसमें इसने अपने फ्रीलांसर को 2 स्टार दिए हैं, जस्ट नो फीडबैक गिवन दिया और साथ 2 स्टार दे दिए बस। लुकिंग फॉर डिजाइनर फॉर ओवर लोगो एंड पैकेजिंग 5 स्टार दिए है, प्लस अपने क्लाइंट को फीडबैक नहीं दिया, जो सॉरी फ्रीलांसर को फीडबैक नहीं दिया, प्राइवेट जॉब थी ये, ठीक हो गया। इसमें इसने फ्रीलांसर को साथ एक दे दिया है फीडबैक, आई हैड द प्लेयर ऑफ वर्किंग विद काजी जुहेब साजिद एज माई वर्ड प्रेस वेब डिवेल्पर। तो ये चलें इस चीज़ से ये फील होता है कि ये क्लाइंट जो है काम करने वाला है, और इसके साथ हम अपना प्रपोजल इसको सेंड कर सकते हैं, मे बी अगर हमें अवार्ड करता है तो ये हमें फीडबैक भी अच्छा दे सकता है, और इसका जो स्पेंड लेवल है वो भी अच्छा है। अच्छा, मैं बता रहा था कि 15 to 20 हो चुके हैं, अभी किसी ऐसे क्लाइंट को आपने नहीं सेंड करनी, कोशिश करनी है आपने लेस देन 5, क्योंकि आप जो न्यू फ्रीलांसर्स होंगे ना उनको कोशिश करनी चाहिए लेस देन 5 वाले ऑप्शन में रहें, जिस प्रोजेक्ट पे लेस देन 5 है उस पे आपने अपना प्रपोजल सेंड करना है, क्योंकि उसमें आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोस्ट एंड रिसेंट में आपने रहना है, हमेशा मोस्ट रिसेंट में जो प्रोजेक्ट्स अपडेट होंगे जो होंगे उसमें आपने रहना है, ताकि उसमें आपको क्लियरली पता चल सके लेस देन 5 होगा, और उसमें जल्द से जल्द आपने कवर लेटर बनाना है और सेंड करना है, ठीक है। अब एक कवर लेटर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करना है। अब इसमें है पोस्टेड 3 मिनट्स अगो सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, पेमेंट अनवेरीफाइड है, इसके अलावा इसमें भी पेमेंट अनवेरीफाइड है, स्पेंड लेवल इसका 0 है, यूनाइटेड स्टेट्स से है इसका भी 0 है, यूनाइटेड स्टेट्स से डेफिनेटली जब पेमेंट वेरीफाइड नहीं है तो स्पेंड लेवल भी 0 ही होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हम इसको देख लेते हैं, पोस्टेड 14 मिनट्स अगो वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोशल मीडिया असिस्टेंट, इसमें पेमेंट वेरीफाइड है, 2K स्पेंड हो चुका है, जो फीडबैक है वो नहीं है, अच्छा भी नहीं है, उसके साथ फीडबैक नहीं है, 2K स्पेंड है बट फीडबैक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से है, प्रपोजल लेस देन 5 है। अच्छा, ये चीज़ें देखने के बाद आपने प्रपोजल सेंड करना है, प्रपोजल के लिए आपने इसको कॉपी करना है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको कॉपी करना है, और चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। चैट जीपीटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि कवर लेटर में हम उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए, तो चैट जीपीटी को जब आप ये कॉपी करके कि मुझे इसका कवर लेटर चाहिए या जो है प्रपोजल बना के दें, तो वो आपको बना के दे देगा, आपने उसमें रीड आउट करना है खुद, ये नहीं करना कि कॉपी पेस्ट वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट जो है कवर लेटर बना के सेंड कर देना है, नो, आपने उसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से रीड आउट करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं,
जो चैट जीपीटी आपको प्रपोजल बना के देगा, जो कवर लेटर बना के देगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और कभी भी मैं आपको एज अ न्यू फ्रीलांसर जब आप आ रहे हैं अपवर्क पे, तो कभी भी लेस देन 5 से जो ऊपर के प्रपोजल्स होंगे उनमें आपने बिड नहीं करना। जो पेमेंट अनवेरीफाइड होगी उसमें आपने बिड नहीं करना। आप न्यू फ्रीलांसर्स हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उन पे बिड नहीं करनी। और चैट जीपीटी के, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जो भी आप प्रपोजल बनवाएंगे या कवर लेटर बनेगा, उसको आपने 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है। उसमें चीज़ें चेंज करवानी है चैट जीपीटी से, कि अब वो अक्सर ऐसे कर देता है कि इसमें आपका पोर्टफोलियो ऐड कर देता है, उसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड कर देता है, तो वो आपने उसे कहना कि नहीं ये स्किप करें, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे टू द पॉइंट हो, जॉब रिलेटेड अपवर्क हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर लेटर होना चाहिए, ये सारी बात आपने उसे करनी है। मतलब उस रिटर्न में जब आप सेंड करेंगे तो वो आपको दोबारा कवर लेटर जो है रिवाइज करके सेंड कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अच्छा, मैं लेस देन 5 वाला क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रपोजल वाला होता है ना, जिस पे ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, तो उस पे सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले ही कर सकते हैं, जो बहुत लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेंड कर सकते हैं अपने प्रपोजल, क्योंकि उनके फिर चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होने के। और वो फिर खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम कर रहे होते हैं वो $18-20 वाले पे तो करते ही नहीं, उनके तो लेवल ही और होता है, $100+ या $1,000 वाले काम पे करते हैं। ये हमारे लिए यही बेस्ट है। तो इस पे प्रपोजल प्लस पेमेंट वेरीफाइड प्लस स्पेंट लेवल, जो उस क्लाइंट ने कितना स्पेंट किया है अपवर्क पे, और उसके अलावा उसकी लोकेशन, इस चीज़ का ख्याल रखना है, और उसके बाद उसकी फीडबैक को देखना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो है आपने एक बिड करनी है किसी भी जो जॉब पे है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप जो है अपवर्क पे सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज जो कनेक्ट्स हैं वो आपके ख़त्म होते रहेंगे, आपको कभी भी जो है काम नहीं मिलेगा अपवर्क पे। और बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली करना चाहूँगा, Fiverr.com पे क्लाइंट्स हैं ना, वो फिर भी अच्छे हैं, वो गुजारा कर जाते हैं, लेकिन जो अपवर्क पे है ना, ये बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये नॉर्मल बंदे को हायर भी नहीं करते, और आपका जो स्किल सेट लेवल है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, 100% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस जॉब पे आप बिड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ मैं इस पे इंशाल्लाह मुझे चांसेस है, मैं ये काम कर सकता हूँ, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको क्लियर हुए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।